बताऊंगा, पुलिस जो है, पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पे डिप्लॉय कर दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति ने संभालने के लिए, खबर देने के लिए, अगर कोई भी स्थिति, पहली बात तो स्थिति खराब होनी नहीं भाई। फिलहाल नू के अंदर हम लोग मौजूद हैं और नू के अंदर की स्थिति आपने दिखाऊंगे, जायजा ले होंगे। फिलहाल नू के तावड़ू में हम लोग मौजूद हैं। यो मंदिर है, पंडित जी भी यहाँ पर आपने नजर आओगे, पंडित जी भी जो है अपनी पूजा अर्चना करके जाओ है, उनसे ही बात कर लिया। राम राम सर भाई, नमस्कार भाई, खुश है, आपका स्वागत हरियाणा भाईचारा सबका पैरा सब तेरा में। पंडित जी राम राम। राम राम, ठीक ठाक हो? जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। सही माहौल है, बढ़िया माहौल बने रहा है, बहुत बढ़िया भाईचारा, बढ़िया बने रहा है, बहुत बढ़िया भाईचारा है भाई, फर्स्ट क्लास भाईचारा है, अच्छी तरह से पाठ पूजा हो रही है और हमारे तावड़ में खूब सुख शांति, खूब भजन कीर्तन हो रहे हैं। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, क्या बात है। और पुलिस भी जो है फिलहाल मुस्तैदी पे, देख सको पुलिस भी जो अपनी मुस्तैदी पे तैनात है और आपने तंदुरुस्त खड़ी आओगी। कैमरे में एक बार दिखाना चाहूंगा, पुलिस जो है, पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पे डिप्लॉय कर दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति ने संभालने के लिए, खबर देने के लिए, अगर कोई भी स्थिति, पहली बात तो स्थिति खराब होनी नहीं, अगर कोई स्थिति खराब हो तो पुलिस के जवान तैनात आपने नजर आओगे, मुस्तैद नजर आओगे। ये अपने आला अधिकारियों तक, जो थाना प्रभारी इनके, उन तक खबर पहुंचाओगे। अभी फिलहाल अयो खाटू श्याम जी का मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध यहाँ का मंदिर है और यहाँ पे फिलहाल बढ़िया माहौल आप नजर आओ, पूरे शहर का फिलहाल तावड़ू, पूरे शहर का आप नजारा वो भी दिखाऊंगे, आसपास का भी हमारा नजारा है। हमारे कल गैस के दिन आके देखते, पूरे 84 गांव आते हैं यहाँ पे। अच्छा, मतलब प्रसिद्ध मंदिर है। हाँ, प्रसिद्ध मंदिर। ठीक ठीक, तो फिलहाल ये भाई है, कोई रिश्ते बात कराएंगे, आ जा कित गया भाई। फिलहाल इस मंदिर के सामने हम लोग मौजूद और सचिन हमारे लिए, सचिन कैसा माहौल है भाई, युवा हो, कैसा माहौल है फिलहाल? पिछली अगर एक महीने पहले बात करूँ तो काफी माहौल बिगड़ गया था, लेकिन ईद की स्थिति आ रही है जैसा जी, सभी भाईचारे के साथ रह रहे हैं, ऐसा कोई भी मोमडन या हिंदू में कोई भी किसी तरह का भी झगड़ा नहीं है, बिल्कुल सभी भाईचारे से। कुछ शरारती तत्व होते हैं जो माहौल को खराब करते हैं, हमारे समाज को भड़काते हैं, बाकी ओवरऑल हमारे यहाँ पे बिल्कुल ओवरऑल कंडीशन बिल्कुल शांत है। बिल्कुल, तो पुलिस भी लगा दी गई है और तमाम तरीके की व्यवस्था जो हर एक मंदिर और मस्जिद तक दी गई है। ईब के माहौल नहीं बिगड़ेगा, आरएफ की टुकड़ियां लगता और पूरा हरियाणा की पुलिस फोर्स वो लगता डिप्लॉय करी गई है। फिलहाल पूरे शहर तावड़ू का अपना नजारा एक बार चल के दिखाऊंगे हम क्या क्या स्थिति है। इंटरनेट की सुविधा बंद कर दी गई है, धारा 144 का हालांकि प्रयोग यहाँ पर कराया गया है और पूरा शहर बंद भी है, लगभग लगभग दुकान जो बंद है। भाई नू के अंदर पहुंच गए हैं, नू का तावड़ू, नू के तावड़ू की एंट्री पे हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पे बिल्कुल कर्फ्यू जैसा माहौल है, धारा 144 लागू है और हाई अलर्ट पर जो है पूरा एरिया है, सिर्फ जो सरकारी सुविधाएं हैं और मेडिकल स्टोर जैसी सुविधा वह खुल रही है। फिलहाल ये तस्वीर जो है मैं आपने दिखा दूँ, एक कोरोना में देखा था ऐसा माहौल, कोरोना के बाद आज देखा है। फिलहाल नू के तावड़ू में हम लोग मौजूद हैं, वहाँ तक सीधी और ये लाइव तस्वीर जो है वो हम आपने दिखाने लग रहे हैं। देख सको हर एक दुकान जो है वो बंद है, मैं राइट साइड में दिखाना चाहूंगा, सिर्फ जो जरूरी दुकानें हैं वे खुल रही हैं, हर एक दुकान बंद है, आप बंद नजर आओगे। देख सको कुछ दुकान जो खुल रही है उनके शटर नीचे हैं और ट्रैफिक बिल्कुल ना के बराबर, नहीं तो इस रोड पर भर भर का ट्रैफिक चला करे। और जब नू जिले में एंट्री करी, हर एक गाड़ी की नंबर नोट करे गए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर मालिक के नोट करे गए हैं, कागज मांगे गए हैं। तो फिलहाल एक बार इस वीडियो ने जो है आप लोग शेयर जरूर जरूर करते रहो। फिलहाल ये लाइव और सीधी तस्वीर जो है मैं नू तो दिखाना लग रहा हूँ भाई, वो दिखा, दुकान देख लो, व्हीकल कार सिंगार किया दुकान है तो या किस प्रकार तबंध है, सब दुकान जो है खुली रहा करते हम दिना में, लेकिन आज ये दुकान जो है बंद नजर आवेंगी तमने, क्योंकि धारा 144 लग रही है और हाई अलर्ट पर नू में बात का यो एरिया हो रहा है। फिलहाल तावड़ू की ये तस्वीर तमने हम दिखाऊं, ब्रिज मंडल यात्रा निकलनी है, ब्रिज मंडल यात्रा ने लेकर पूरा रास्ता दिखाऊंगा मंदिर तक का, जो मंदिर है वहां पर हम पहुंचेंगे, उस मंदिर तक का पूरा रास्ता तमने मैं इस वीडियो के जरिए दिखाने की कोशिश करूंगा। तावड़ू चौक पे फिलहाल पहुंच गए हम लोग और तावड़ू चौक की लाइव और सीधी ताजा तस्वीर वो हम आपने दिखाऊंगे। आंसू गैस के गोले दागने की मशीन तले का अलग अलग टुकड़िया जो आरपीएफ की वो सब कुछ जो है यहाँ पे तैनात और तैयार करी गई है। महादेव मंदिर में हम पहुंचेंगे, यहाँ तक रास्ता है, यहाँ तक लेफ्ट लेना, और अभी फिलहाल यहाँ की ताजा स्थिति जो है वो मैं आपने दिखाऊंगा एक बार तस्वीरों में कर दे भाई। तावड़ू शहर के अंदर की तस्वीर है ये, अंदर के हालात जो है तुम देख सको हो, कति सील पैक कर रखा पूरा का पूरा तावड़ू, और देखो एसडीएम और डीएसपी कार्यालय है तावड़ू का,
यहाँ पे भी कुछ नहीं है, मतलब आप समझ सको होगा भाई पूरे तरीके से इस रोड पर का जितना ट्रैफिक शहर के बीच में चल रहा हूँ मैं, तावड़ू शहर जो है, तावड़ू विधानसभा, सोना तावड़ू विधानसभा, उसके बीच में को मैं चल रहा और फुल सील है। ये देख सको धारा 144 का पूरा वो करने लग रहे हैं, जो एका दुका लोग घूमते दिखे हैं उनसे पूछताछ करी जावे है, पूछा जावे है कौन है कौन नहीं है, कहाँ तक आए हो कहाँ तक नहीं आए हो, और शांति बनाने की अपील जो है वो लगातार करी जावे है। ये देख सको हर एक चीज जो है वो बंद है, मतलब घर में लोग आज रुक रहे हैं अपने में, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि दंगा फसाद हो, ऐसी कोई स्थिति जो है वह सामना हुआ किसी के निकल का कि भाई ऐसा कुछ हो गया और देश का नाम खराब हो है, है ना, ये चीजें चाहते नहीं। यो भी एक मेन चौक है, हरा देख ले भाई, यो भी एक मेन चौक है जहाँ पे इक्का दुक्का वाहन तो आपने नजर जरूर आओगे लेकिन ज्यादा कुछ आपने नजर नहीं आओगे। स्ट्रेट ठीक है, चलो तो ये देख सको सब कुछ बंद भाई, मतलब ये तस्वीर कैमरा मैन तो कहूंगा एक बार तस्वीर दिखा रहा, तस्वीर दिखा भाई एक बार, ये साइड की दुकान होगी देख लो, सिर्फ जो इक्का दुक्का दुकान है, जो परचून की दुकान होगी भाई, घर का सामान चाहिए आदमी ने, हॉस्पिटल में दवाई पानी चाहिए आदमी ने, भाई में सारी चीज तो खुल रही है हालांकि, लेकिन जो अनावश्यक चीज हो, बाइक का शोरूम है, गाड़ियों का शोरूम है, और भी कई दुकानें, फ्लैक्स की दुकान, वो सब बंद है, बाकी चीजें बंद है, सिर्फ जो इमरजेंसी ड्यूटी की चीज हो वो खुल रही है। देख सको सब अपने घर में है आज, कोई भी घर तक नहीं निकल रहा। हाँ भाई लोग खोल लेने इसका सीधा, तो यो देख सको फिलहाल अगर हमने नू होटल आगरा जाना तो सीधा सोना पलोल के लिए लेफ्ट, भिवाड़ी और दारू एडा के लिए राइट। तो ये तस्वीर जो है लगातार आप लोग देखने लग रहे हो, और फिलहाल मैंने तावड़ू की तस्वीर दिखा दी, तावड़ू फिलहाल निकल गए हैं। इस चौक के ऊपर बिना का जो है एक छोटा सा वो लगाया गया है भैया, एक चौक है, मैं रोहित एक बार दिखा दे, रही दिखा भाई, ये देखो हर एक दुकान बंद आपने नजर आओगी, सील पैक हो रहा है सब कुछ, दिखा दे भाई, प्रेनियो गली जा है, यो बंद है, तावड़ू की तस्वीर है, ये पूरा तावड़ू दिखाऊंगा किस तरह का, किसी ने जान नहीं देते। फिलहाल ये जो लाइव तस्वीर है वो मैं आपने दिखा दू, इक्का दुक्का लोग जो अपने घर के बाहर खड़े नजर जरूर आवेंगे लेकिन किसी प्रकार की कोई भी इसी एक्टिविटी नहीं करेंगे। अड़ैक देख लो चुकर, ये चिकन चकन की दुकान, चिकन की होगी, हाँ चिकन की दुकान थी, ये बंद है, सब कुछ बंद है। फिलहाल हम भी दिखाने लग रहे हैं, इमारतें भी जो पहाड़ी जड़े तो शुरू होती उस तक चढ़ने कोई परमिशन नहीं किसी तक भी, अपने तमाम अधिकारियों से बात कर ली, सिर्फ एक के बात कहना कि शाम के बाद आप बेशक आ सको लेकिन आ भी जाना इम्पॉसिबल है। तो फिलहाल ये तस्वीर देख सको हो उसे चौक की तस्वीर जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था आपते, यहाँ पर पुलिस की मुस्तैदी और तैनाती आपने जबरदस्त और फर्स्ट क्लास नजर आओगी। फिलहाल शहर के बिल्कुल अंदर, तावड़ू शहर के अंदर की तस्वीर में दिखाई, क्योंकि फिलहाल यही की दिखा सका, नू के तावड़ू की, नू एक छोटा सा जिला है लेकिन बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आड़े बन रही है। इतनी टुकड़ियां जो वो डिप्लॉय करी गई हैं आरएएफ से लेकर तमाम सुरक्षा अर्धसैनिक बल, सुरक्षा बल सब कुछ जो डिप्लॉय कर दिए गए, और शहर के बीच का एरिया जित मतलब अपने फुल भीड़ है आगरा, जित फुल भीड़ है आगरा वो एरिया भाइयों, और आड़े देख लो सब कुछ बंद है, जूस कॉर्नर तक लेकर लत्ते कपड़े की दुकान तक लेकर सब कुछ, सिर्फ जो इमरजेंसी की चीजें हैं जैसे मैडम जाने लग रही है, नर्स है, ड्रेस तो मेरा पट है, तो ये जावे है अपना जाओ आराम, तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इमरजेंसी ड्यूटी है, बाकी दवाई की दुकान वो खुल रही, दवाई की दुकानें खुल रही हैं और सारी चीज बाकी बंद है, और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है कि भाई सेफ्टी रहो, आम जनता की भी, और भाई जान रमाल की आनी ना हो तो बढ़िया, पिछली बार जान रमाल की गणियाँ आनी होगी, 40 के करीब लगभग गाड़ी मेरे ख्याल फूक गई थी और अंदाजा बताऊँ तो ऐसा कुछ भी ना हो। फिलहाल तावड़ू शहर की ये ताज़ा और लाइव तस्वीर है, सिर्फ 5% भीड़ है शहर के अंदर, यो प्रॉपर जो बाजार है ना उड़े की तस्वीर में तुमने दिखाऊं, धारा 144 लाग रही है, तमाम शोरूम तमाम सब कुछ चीज बंद है, ये दिखा दे भाई पीटर इंग्लैंड का शोरूम है यहाँ के, ये तस्वीर आप लोग जो वो देख सको हो फिलहाल लाइव इन तस्वीरों में।
अब थोड़ा सा इस एरिया में आ गए क्योंकि मेन बाजार बिल्कुल मेन बाजार है, यहाँ पे बेशक तो थोड़ा खुल रहा है, वही सही दिखाओगे, सच्चाई दिखाओगे, कोई झूठ बात नहीं पाओगी अपनी बात में, क्योंकि सच्चाई के लिए आप लोग देखो हमारे चैनल और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करते रहियो। ब्रिज मंडल यात्रा लिकड़नी थी, पिछली बार लिकड़ी, मोनू मानेसर के कुछ बयान आए, कुछ बिट्टू बजरंगी के बयान आए, जिसके बाद लोगों का कहना है कि दंगा भड़का है, लेकिन सरकार ने कही कि मोनू मानेसर के बयान के बाद कोई दंगा नहीं भड़का, वो बिट्टू बजरंगी के ऊपर आरोप लगे हैं। बाकी ये देख सको, आरएफ की टुकड़ी एक शहर के बीचों बीच भी डिप्लॉय करी गई है, एक बस देख सको हो, आरएफ की जो पूरी बस है वो एक शहर के बीचों बीच भी डिप्लॉय करी गई। उस साइड में भाई हैं, दिखा दे, दिखा थोड़ा सा, ठीक है, ये देख सको। फिलहाल ये तस्वीरें जो हैं वो ज़रूर आप लोग देख सको हो कैमरे के माध्यम से। वैसे तो अगर मैं बात करूँ तो लगभग सा जो है कर्फ्यू जैसा माहौल है कि भाई आम चीज़ें खुल जाए। एक अपील हम करेंगे सारे दर्शक आते हैं, भाईचारा जो है वो बनाए रखो, भाईचारा सबसे जरूरी। भाई चैनल का नाम भाईचारा है, कमेंट में जय भाईचारा तुम लिख दो, उससे काम नहीं चलेगा, भाईचारा अपना बनाना पड़ेगा। तो मेरी सबसे यह अपील है कि भाई भाईचारा बनाओ, भाईचारे का संदेश दो, जय भाईचारा नीचे लिखो और तोन भी रह के लिखना है, ठीक है। फिलहाल मैं दिखा दूं कैमरा मुमर के नगर सी देहराख में भरनी। चलो फिलहाल इस वीडियो ने शेयर कर दो और ये तस्वीर ताजा हालात, हालांकि आड़े का जिला बना तो दिया, आड़े की संभाल नहीं कर रही सरकार, ये संभाल भी करनी चाहिए, सारे टूटे फूटे पड़े हैं। ये देख लो ये स्थिति, तैनाती मैंने पुलिस की भी दिखाई और लोग भी तैनात है, लोग भी मुस्तैद नजर आऊंगे। दिखाइए वो मंदिर है, हाँ मंदिर है, मंदिर के आगे भी सिक्योरिटी है। भाई फिलहाल ये तस्वीर जो है सीधी आप लोग देखने लग रहे हो, ताउडू तो निकल के और ट्रक वगैरह लगा रखे हैं यार, और फिलहाल पहाड़ के ऊपर चढ़ाई का जो एरिया है वो शुरू हो गया यहाँ पे। फिलहाल एक बार मैं बात कराता हूँ जी सर मीडिया से, आगे जाना क्यों आला अधिकारी ने बुला दिया, तो आला अधिकारी ने बुला दिया, तो एक बार बात कर भाई, आगे तो बंद कर रखा रास्ता, नहीं अभी हम ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब के पीछे पूछ के आए हैं ना, आगे बंद कर रखा रास्ता, आगे जाना ही नहीं किसी ने भी नहीं, मीडिया के लिए तो अलाउड है सर, वो आप वहाँ बैठे से तो साहब वहाँ पता करें। चलो मैं वो बात कराऊँ, एक मिनट रोक ले भाई, मैं बात कराऊँ।